कहावत हाई है भगवान धरन पे आते हैं। विनोद भैया जी और उनकी धर्म पत्नी और हरी साड़ी वाले लोग का नाम है ब्यास पीठ को नोटों की माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और 51-51 रुपए की भेंट देकर सम्मानित कर रहे हैं। गोविंद से विनय करूंगी एक नैया भैया का कदम यही धर्म में आगे बढ़ता रहे और हमारी इन दोनों बहनाओं का स्वागमर बना रहे और सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए शुक्रदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा बधाई है बधाई है बधाई है और इधर सभी देवता यादव वंश में अवतरित हो जाते हैं। श्री शुकदेव जी वर्णन करते हैं अय राजन परिषद बड़े ध्यान मगन होकर के कथा श्रवण करना। इधर ध्यान देना कि कंस के चाचा का नाम है देवक और देवक की एक पुत्री का नाम है देवकी। देवकी जब विवाह योग्य हो चुकी तो एक दिन गुड़िया गुड्डों का खेल खेलने लगी है। मैया ने झांक करके देखा कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मैया ने जब देखा कि मेरी बेटी गुड़िया का विवाह गुड्डा के साथ कर रही है उसी समय मैया के दिमाग में झटका लगा कि इसका मतलब मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। मैया के दिल में विचार आने लगे। क्या विचार आए ध्यान देना। रानी ने मन में काई लली है गई बहुत मेरी श्याली वरयोग चिरैया हुई आई वे के रही भैया रानी चिरैया हुई आई रे के रही भैया रानी पर योग चिरैया हुई आई रे के रही भैया रानी हमारी ये बहन